देखिए, ये भ्रष्टाचारियों की ताबूत में आखिरी किल साबित होगी। बिहार ने पहले भी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ी है। जिस तरह से यहाँ पर ट्रैप केसेज हुए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में सुनवाई हुई, स्पीडी ट्रायल हुआ और कई अधिकारियों के घर में बाजाता उनके घर की जब्ती के बाद वहाँ पर विद्यालय खुलवाए गए और उसमें भारतीय पुलिस सेवा के पुलिस महानिदेशक स्तर के सेवानिवृत्त पदाधिकारी थे। एक सर्विंग आईएएस ऑफिसर के खिलाफ भी ये कार्रवाई हुई और ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहाँ अभियंता, चिकित्सक और सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले जब सामने आए तो सरकार ने कठोरतम कार्रवाई को सुनिश्चित किया। यहाँ भ्रष्टाचार को लेकर के कई बड़े फैसले हुए और कुछ फैसलों का असर दिखने भी लगा है। जिस तरह से आरटीपीएस ने जो निचले तबके के कर्मचारियों के बीच जो चीज को इस तरीके से नहीं समझा जाए कि बिहार सरकार ने भ्रष्टाचारियों के सामने सरेंडर कर दिया है, बात स्थिति जो है वह बेकाबू हो गई है, तभी वह जनता से अपील कर रही है कि भाई आप पकड़वाइए, हम आपको 50,000 का इनाम देंगे। देखिए, जो लोग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जानते हैं वो ये अच्छी तरह से समझते हैं कि एक दृढ़ प्रतिज्ञ और संकल्पित राजनेता के तौर पर नीतीश जी ने अगर मन बनाया तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने बिहार का मॉडल देश के सामने रखा है। और अगर अभी भी कुछ अगर ऐसे अधिकारी हैं जो जनता की आंखों में धूल झोंक करके किसी तरीके से संपत्ति अर्जित कर रहे हैं तो अगर उनकी जानकारी लोगों के पास है तो राज्य सरकार उनको इनाम देगी और उनके दी गई सूचना पर कार्रवाई करेगी। और मुझे लगता है इससे जिस तरीके का हड़कंप मचा है, अगर गिनती के लोग ऐसे होंगे तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल समय शुरू हो गया है।